अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। चलिए रुक कर लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पवन सिंह पर बरसे खेसारी लाल यादव, मंच पर दारू पीकर सरेआम किया हंगामा। नरम नहीं पड़े टिकैत के तेवर, केंद्र की मंशा और नीतियों पर फिर उठाया सवाल, कहा एमएसपी का मुद्दा अब भी बरकरार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर रमेश कुमार पर रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो पर भड़के सोशल मीडिया यूजर, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में किया मेयर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन, बोले शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शुरू करेंगे प्रतियोगिता। अगले CDS के चयन की शुरू हुई प्रक्रिया, तीनों सेनाओं में तालमेल के लिए जनरल नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख का पद। सड़कों पर गड्ढों से हजारों से ज्यादा की संख्या में हुए हादसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। खिलाड़ियों की आत्महत्या के मामले पर ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने जताई चिंता, मदद के लिए बढ़ाया आगे हाथ। ईशांत शर्मा का बैग देख ललचाया विराट कोहली का मन, कहा जो लेकर भागेगा उसे दुनिया में कहीं भी छुट्टी मनाने का मिलेगा मौका। सौरव गांगुली ने कोहली की कप्तानी पर जताया भरोसा, कहा 29 साल के नाकाम कोशिशों का इंतजार खत्म करेंगे विराट। उमर रियाज को पसंद करने लगी है रश्मि देसाई, तेजस्वी से कही अपनी मन की बात। अखिलेश शिवपाल के बीच सियासी गठबंधन के बाद अब सीटों के बंटवारे पर नजर, शिवपाल सिंह के 50 सीटों की मांग को एडजस्ट करने को लेकर अखिलेश के सामने आई चुनौती। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किए 28 IPS PPS अफसरों के ट्रांसफर, पुलिस कप्तानों का भी हुआ तबादला। पंजाब सरकार ने आधी रात को नए DGP की नियुक्ति, सिद्धू ने किया समर्थन। नोएडा के पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी में कार की बोनट पर दो युवकों ने काटा केक, नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।